हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके सर अमास एकेडमी कोटा। टुडे वी आर गोइंग टू ओके स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 7.3 cos इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b ds। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेथड क्या है ये इसको समझना किस तरीके से। अच्छा यहां पर cos दोनों cos cos आएगा, ठीक है, दोनों साइन हो सकते हैं, एक साइन हो सकता है एक कॉस हो सकता है, ओके किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो सकता है। ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट वैल्यू, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ए माइनस बी, ओके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइन ए माइनस बी। यहां पर अपन चाहे तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ये अपने को ही करना पड़ेगा क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ए माइनस बी एंड एड एंड सब्ट्रैक्ट एक्स एड एंड सब्ट्रैक्ट एक्स इन द न्यूमिनेटर पार्ट ऑफ साइन ए माइनस बी, ऊपर की तरफ प्लस एक्स और माइनस एक्स करना है। क्यों करना है, ये मेरा टारगेट है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी लाना चाहता हूं ऊपर की तरफ, ठीक है। और साइन से ही क्यों मल्टीप्लाई किया ये भी समझ लीजिए कि साइन का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर साइन ए कोस भी और कोस ए साइन भी दोनों पार्ट आते हैं, तो साइन भी आ जाता है उसमें कोस भी आ जाता है, ठीक है। अगर कोस वाला पार्ट लेते हैं तो उसमें कोस ए कोस भी आ और साइन ए साइन भी आता है ना, तो इसलिए एक पार्ट साइन का चाहिए एक पार्ट कोस का चाहिए, इसलिए अपन इसको कर रहे हैं। नेक्स्ट वन अपॉन साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको तो मैंने निकाल दिया है बाहर, दिख रहा है साइन ए माइनस बी को इसको बाहर निकाल दिया, इस साइन ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस एक्स को इस तरीके से लिखना है कि ये दोनों आने की, ठीक है, माइनस में है दोनों को दोनों, तो अपन लिखते हैं यहां पर सबसे पहले साइन बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले मैं यहां पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव बी एक्स माइनस बी लिखकर, ठीक है, एक्स माइनस बी आ गया, अब क्या बचा ए माइनस एक्स बच रहा है, लेकिन अपने को एक्स तो पॉजिटिव चाहिए और एक्स को नेगेटिव चाहिए ए को, तो माइनस साइन बीच में यूज में ले लेते हैं और ये आ गया एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्लोज डिवाइड में कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी, क्लियर है, और डी एक्स भी ये यहां पर लिखते यूजिंग द आइडेंटिटी साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ओके एक एक पार्ट को समझते हुए चलना है। नेक्स्ट वन अपॉन साइन ए माइनस बी एज इट इज रहेगा, साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ए माइनस बी तो की जगह पे तो एक्स माइनस बी आ रहा है और ए की जगह पे एक्स माइनस बी की जगह पे एक्स माइनस ए आ रहा है, तो देखना साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए,
ठीक है, रिप्लेस करते हुए चल रहा हूँ ए और बी की जगह पे, माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइड बाय दिस नंबर एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, सेपरेट कर रहा हूं डायरेक्ट यहां पर दोनों, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी एंड डी ए, करेक्ट, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी, ओके, वन अपॉन साइन ए माइनस बी एज इट इज इंटीग्रेशन, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, टेन एक्स माइनस बी, ओके ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, टेन एक्स माइनस ए डी ए, ओके टेन ए, ओके अब इनका क्या होता है फॉर्मूला ये आप लोगों को बताना है, वन अपॉन साइन ए माइनस बी एज इट इज ब्रैकेट लगा देते हैं, लॉग क्या होता है बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू लॉग sec x, log sec x है ना, दो तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं, log sec x लिख सकते हैं या माइनस log cos x भी लिख सकते हैं, ओके log sec x या माइनस लॉग कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन सेक एक्स होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट जिस फॉर्म में आंसर आ रहा है उसी में रख देता हूं, माइनस आगे लगा दिया लॉग कॉस एक्स माइनस बी, इसमें भी यही फॉर्मूला, माइनस माइनस क्या कर देंगे प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी, अगेन वन अपॉन साइन ए माइनस बी एज इट इज, इसको अपन चाहे तो कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोसेक ए माइनस बी हो जाएगा ऊपर जाके, अब यहां पर देखो लॉगरिथम का एक और फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं, लॉग एम माइनस लॉग एम, ओके लॉग एम माइनस, तो ये हो जाएगा लॉग एम log m upon n is equal to log m minus log n, okay? Logarithm का minus बीच में आया है, तो ये आगे ले लिया, इसको पीछे रख लेंगे, तो ये हो जाएगा log m upon n, m upon n का हो गया cos x minus a upon cos x minus b plus अगेन एक बार और वापस से समझ लीजिए, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, प्लस एक्स माइनस एक्स किया, उसके बाद प्लस एक्स और माइनस एक्स को इस तरीके से एडजस्ट किया कि एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी आना चाहिए, चाहे बीच में प्लस करो चाहे माइनस करो एडजस्टमेंट आपको करना, यूजिंग द आइडेंटिटी साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, वन अपॉन साइन ए माइनस बी एज इट इज
फॉर्मूला अप्लाई किया, जो डिवाइड में वैल्यू आई हुई थी उसको सेपरेट कर दिया, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देंगे, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी टेन एक्स माइनस टेन एक्स माइनस ए इधर बचा, दोनों का आइडेंटिटी फॉर्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन का। उसके बाद एक और फॉर्मूला यहाँ पर यूज में आया है लॉगरिथम का, लॉग एम अपॉन एल इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एम। ओके आ गया समझ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा और एक एक चीज को अच्छे से नोट करना है।